वर्षा देवी, वर्षा देवी नाम की कोई महिला आई है और ये हमसे मिलने के लिए घर पर चैलेंज करके आई है कि हम जा रहे हैं पंडोकसा का और वहां से प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं। हम करैक्टर और चरित्र के ही नहीं है, आप हमको गलत भ्रम मत करें। दुनिया में कोई भी यदि प्रमाण दे सकता है तो हम पंडोकर सरकार जा रहे हैं और अपनी अग्नि परीक्षा की तरह, माता सीता की तरह मैं परीक्षा देके आ रही हूं। और वहां वो कह दे चरित्रहीन है तो हमें छोड़ देना, यदि उनने कह दिया तो फिर तुम जानना कि सत्य क्या और असत्य क्या है। इस तरह की बेटी मन में घोषणा करके आई है, ऐसा मुझे संकेत आंतरिक प्राप्त हुआ है। तो हमने पर्चा लिख के तैयार किया है। हम तो इस बेटी को भी नहीं जानते, इसके परिजनों को भी नहीं जानते, यहां जितने बेटे हैं मैं किसी को नहीं जानता व्यक्तिगत। जितनी बाबा प्रेरणा देते उतना लिख देते हैं और वो ही लिखते हैं जो व्यक्ति कहता है क्या बात है, क्या बात है, ये तो महाराज ने वो लिख दिया जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था, मेरे भीतर मैंने जो गलतियां की वो कोई नहीं जानता था, जो बाबा पंडोकर सरकार ने लिख दिया। ऐसे पंडोकर सरकार दरबार की जय हो। बिटिया पास में आए, पास में आओ बहन, और पास में आओ, ऐसे बैठो साइड को मुकर के। हाँ दीदी, कहाँ से आई हो आप? उड़ेना, झांसी। उड़ेना झांसी के पास से। उड़ेना, हाँ। जी कहाँ पड़ता है? झांसी के पास में। पहले भी आई कभी यहाँ? नहीं। यहाँ क्या समस्या लेके आई हो? पति के आरोप, पति आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कि आपके अफेयर चलते हैं, मतलब किससे? वो तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो तो कुछ भी कहते हैं कि कभी हमारे दोस्तों से आपकी बातचीत होती है, कोई घर पे आता है तो आपके उससे भी कोई 5 मिनट के लिए भी अगर हम किसी से मिले तो आप उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ भी। इसको हटा के बाहर भेजो, ये जो कौन चिल्ला रहा है सुना नहीं दे रहा आपको, इसको पकड़ के ले जाओ बाहर। उन्हें ऐसा लगता है। बेटा सुनिए पहले, ये ब्रह्म राक्षसों को भगाने दो, ये राक्षस लोग प्रवृत्ति के लोग हैं, हटाओ इसको यहां से, हनुमान पंथ खड़े ले जाइए। हाँ पास में बोलिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई भी आता हो जाता हो, हम भी कहीं आते जाते हैं रिश्तेदारी में, घर में, मोहल्ले में, परिवार में, उन्हें हर जगह यही चीज दिखती है। बस बात यही दिखती है कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम कैरेक्टर लेस हो। दूध के धुले हैं जी, वो ही जाने, भगवान जाने। तो तुम यहाँ का नहीं है, तुम भूत प्रेत तो हम बताते, अब हम जा कहा बता दे बेटा? अब जामे आप जी बता दो कि आपको क्या लगता है कि हम ऐसे हैं, उनका कहना सही है या गलत है? तो पति ने यहाँ भेजा आपको कि तुम खुद अपने हम तो उनसे कह के आए हैं कि हम लाएंगे, अगर आप हम पे विश्वास नहीं कर रहे तो हमारे, हम तो भगवान है नहीं जो आपको सब कुछ बता दें, तो हम जाएंगे कहीं ऐसे कि जहाँ जहाँ से आपको विश्वास हो, अगर कोई कह दे हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ भगवान की सिद्धि है हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि हम गलत हैं तो वो खुद कहेंगे हैं। अगर आप देखिए साहब, ये श्रद्धा का विषय है। इस बिटिया ने जो निर्णय लिया ना, बहुत अच्छा लिया कि किसी भगवान का द्वार तलाश रही है, कोई साधक का द्वार तलाश रही है, कोई प्रमाणिक कोई कह दे कि सत्य क्या है, यदि हम गलत हैं तो हम पे आरोप लगा दे और सत्य हैं तो हमारे न्याय मिल जाए। लेकिन उसने क्या, आज के युग में कितनी पढ़ी लिखी हो? बीए की है। मतलब किसी के अंदर आस्था श्रद्धा नहीं होती तो परमात्मा इस दुनिया में नहीं होता। जब तक आस्था है तब तक परमात्मा आया है। हमारे पास खुद को साबित करने का कोई भी अभी आपने नहीं और है। किसी गुरु पंडा के और कहीं गई आप? कहीं किसी के यहाँ पूछने? नहीं, कहीं नहीं। मात्र यही आई हूँ। यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा बहन? हम यही के हैं ना, हमारा मायका यहीं पे है। कहाँ पे? मांडर के पास, मांडर में। मांडर में किसके यहाँ? बीरज कल्याण सिंह यादव। कल्याण सिंह यादव के यहाँ बीरज में आप जाना होगा। वाह क्या बात है, गाँव का जोगी जोगड़ा, अन गाँव का सिद्ध, आज सिद्ध कर दिया इस बेटी ने कि नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो पारदर्शी हैं और साफ स्पष्ट बताएंगे। तो हमने क्या लिखा सुने, वर्षा देवी आप पर आपका पति गलत आरोप झूठा लगा रहा है, लगाकर नीचा दिखाना चाहता है। पति का नाम धर्मेंद्र सिंह है, आपके ससुर का नाम सूरज भान है और आपकी सास का नाम मांडवी देवी है। बोलो हाँ या ना? हाँ। यदि ये बात सही है तो मैं कहता हूं अनेक प्रकार से चरित्र पर आरोप आपके पति ने लगाया है, गलत लगाया है, साथ में अपने पापा के साथ में भी गलत लगाया है, देवर के साथ गलत लगाया है, साथ में अपने मित्रों के साथ लगाया है। ये टोटल झूठी बात है और वो मनगढ़ंत है, वो माता को दबाना चाहता है, वो अपनी ताकत का
आपकी लर्मता का, आपकी सज्जनता का मात्र तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाकर तुम्हें नीचे दिखाना चाहता है। आपकी शादी दिनांक 18 मई सन 2014 में हुई होगी। कब हुई है? 2014। कितनी तारीख थी? 18 मई। झांसी गार्डन रंग महल से हुई होगी। कहां से हुई है? रंग महल से। दिन उस दिन तक, उस दिन से आज तक, उस दिन जिस दिन शादी हुई उस दिन से आज तक किसी से कोई संबंध या किसी से कोई प्रेम प्रसंग आपका नहीं है, मैं खुली घोषणा करता हूं। महाराज जी, हम सब बाकी के आप पूर्णतः पवित्र हैं। विवाह मंगल सूत्र धारण कर और अग्नि पंतत्व के फेरे लगाने के पश्चात आपने अपने मन से या किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से आपका कोई संबंध नहीं है, आपने पूर्णतः अपने पति को समर्पित हैं और आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा भी नहीं है। जितना पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से प्रेरणा मिली मैंने आपको बोल दिया है। दिनांक से आज दिनांक तक की मैं घोषणा करता हूं। महाराज जी, हम चाहते हैं जिसको जानना है वो पूछ जाए। महाराज जी, हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति हो, हम लोगों में। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, चलो खड़े हो जाओ, पति को पकड़ के ले आना कि चलो पंडो का सरकार, और ऐसी चीज गाड़ के चलो घर में जो हमको भी पता ना हो और हम बताएंगे कि क्या चीज गाड़ के आए। जाओ कैसा रहा बोलो भैया, सही रहा तो ठीक रहा, बता ताली बजा दो, यदि गलत रहा तो हाथ दिला दो, ये गलत है। पंडो का सरकार हमेशा ऐसी लड़का बेटी इस तरह की बात करके वो मंदिरों का सारा लेगी, गुरु का सारा लेगी, तो निश्चित है ये सतयोग है, यही सतयोग है। अनेक अनेक प्रकार के प्रेम बंधन होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के भाव बंधन होते हैं। इसने अपनी चरित्रता पर, चरित्रता की पुष्टि को धर्मार्थ और परमात्मा के सामने, परमात्मा यदि इस दुनिया में है या शक्ति पंडोकर धाम में है या पूरी दुनिया में है तो हमारे ऊपर आरोप ये कर दे कि हमने कोई गलती की हो। अब ऐसे संसार में बहुत सारे प्रेम प्रसंग है, वो अलग बात है, उसमें भी प्रमाणिकता है। जो प्यार है, जो दिल से प्यार किया गया है, मंगल सूत्र धारण किया गया है, सिर में सिंदूर डाला गया है, भांवर ली गई है, वेद पुराण का स्पर्श करके वचन लेकर के विवाह किया है, सूर्य और चंद्रमा का या जो देवी जिस देवी देवता का, गंगा का, पृथ्वी का, वृक्षों का, जिसका भी जिसके साथ में, जिसके सामने, जीव जंतु के सामने भी यदि विवाह संबंध कोई भी कार्य स्थापित किया है तो उसका भी धर्म है। गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, इत्यादि जितने भी देव विवाह हैं और जिनमें श्रेष्ठ विवाह हैं, अन्य 50 विवाह तक की भी गणना पुराण शास्त्र में आई है, परंतु कलिकाल में सभी पर रोक लगा दी गई है। मात्र यहां धर्म विवाह बताया गया है, जिस धर्म विवाह में जिसमें माता पिता और परिजन लोग सहमत होते हैं उसको विवाह की प्रधानता शासन ने भी मानी और परिवार ने भी मानी और पुराण शास्त्र और विद्वान कलिकाल में स्वीकार करते हुए विवाह बंधन में बांधते हैं, उसको धर्म विवाह कहते हैं, दोनों पक्ष की सहमति से। बागी के पहले अनेक विवाह चलते थे, जंगल में गुप्त भी कोई संबंध स्थापित हो गया तो वो भी विवाह है, लेकिन ये कली काल में इसकी मान्यता नहीं है। और ये भी आज भी मैं कहता हूं, इस मान्यता की ओर मत जाओ, धर्म की ओर, मान्यता की ओर जाओ, समाज की मान्यता की ओर जाओ, सनातन की मान्यता की ओर जाओ, और जिसमें दोनों पक्ष खुश हों उस मान्यता को स्वीकार करिए, जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे बीच में एक बेटी आई थी आज से दो तीन महीने पहले, उसके मजबूरन उसके परिवार वालों ने पैसे लूटने की चक्कर में अपनी पत्नी को किसी के पीछे लगा दिया था, तो उस पत्नी ने उसको पति स्वीकार कर लिया और उसका पति जो ओरिजिनल था उसको पैसा चाहिए था। जब उसका नंबर यहां आया तो जब पर्चे में आया
तो उसमें एक ही आया कि हमारे पति ने तो पैसे लूटने के लिए उसके तरफ भेजा था, लेकिन हमने पैसे तो उससे मांग के ले लिए, लेकिन हमने तो अब उसको छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने उसको पति स्वीकार किया है। इस दरबार में उस बेटी ने बड़ी दमंगी से बात कही थी, तो हमें लगा कि धन है, उसकी परिस्थिति थी, उसने तो उसको वैश्यावृत्ति के लिए उतार दिया, लेकिन उस माता की जय हो। उस माता ने कहा नहीं, हम वैश्या नहीं है, हम उसकी पत्नी है और वो मेरा पति है, मैंने संकल्प लिया है। इसलिए दरबार में शब्द बोले जाते हैं, नहीं तो कई लोगों को ठेस लगेगी कि ऐसे गुरुजी ने ऐसा बोला है तो अब तो मैं तो बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गया, अब तो मैं तो लुट गया, मर गया, मर गया। तो हम समझा देते हैं कि उसकी स्थिति प्रस्तुति क्या है।